सेंथवार मलसभा के द्वारा चंपा देवी पार्क में राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सेंथवार की अध्यक्षता में भागीदारी संकल्प महारैली का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सेंथवार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें लाखों लोग सेंथवार समाज के शामिल हुए। जिसके संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सेंथवार ने बताया कि इस महारैली के माध्यम से समाज ने एकजुटता की ताकत दिखाई है। हम समाज के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे ही हमेशा इसी तरह एकता बनाए रखें और अपनी ताकत का एहसास समय समय पर कराते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग रैली के बाद बैठक करके यह निर्णय लेंगे कि हमारा समाज 2024 चुनाव में किस दल को सपोर्ट करेगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय मल, पार्षद रविंद्र सिंह सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। अपने माता पिता की का कार्यक्रम मंच पे इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंथवार मलसभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सेंथवार, पूर्व विधायक जीएम सिंह सेंथवार, मल महासभा युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सिंह, प्रदेश महामंत्री विशाल सिंह ने कहा, और आज समाज ने, मेरे समाज के लोगों ने अपने एकता का ताकत सबको दिखा दिया, और ये समाज से मैं निवेदन करूंगा ऐसे ही एकता हमेशा बनाए रहेंगे और अपनी ताकत का एहसास समय समय पर कराते रहेंगे। क्या लग रहा है? मैं अपने समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और क्योंकि आज मेरे समाज के लोगों के ने एक एक लोग आकर के अपने समाज की एकता का ताकत का एहसास कराया। किसको सपोर्ट कर रहा हूं? देखिए, अभी 2024 दूर है, इस रैली के खत्म होने के बाद हम लोग आपस में मिल बैठ करके फैसला करेंगे किसके साथ सपोर्ट करना है, किसका विरोध करना है। नहीं, कहीं जाने की बात अभी नहीं है, अभी हम लोग तो भागीदारी अपना सुनिश्चित करवाने के लिए मीटिंग इकट्ठा किए हैं, और हम लोग को भागीदारी मिलेगी और बैठ करके। क्या लग रहा है कि अभी तक सेंथवार समाज का जो है, सेंथवार जो समाज का जो है, किसी पार्टी में मजबूती नहीं थी क्या? नहीं, मजबूती है ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। देखिए, आज लाखों लोगों ने हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात है इतनी संख्या में आज तक कभी भी किसी ने भी इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं किया होगा। 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज वो निकल कर आए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, और साथ ही साथ अब हमें लगता है कि इस ये सही समय हमारी भागीदारी तय करने का। क्या संदेश देना चाहेंगे 2024 चुनाव के लिए? हम यही कहना चाहेंगे, महासभा का जो आदेश होगा, मैं छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते उसे जो भी आदेश होगा, बिरादरी के लोगों से अपील करना चाहेंगे, निवेदन भी है कि आप उनके साथ चलें, जो भी आदेश होगा हम करने के लिए तैयार हैं। देखिए, सेंथवार मल महासभा के नेतृत्व में 11 फरवरी की आज वह शुभ घड़ी सेंथवार मल महासभा के लिए आई है कि आज हमारी महारैली नहीं, महासंगम है, और आप भीड़ देख लिए, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद आज सेंथवार मल समाज जगा है। हमारे समाज के नौजवान, बड़े बुजुर्ग, नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान, BDC, जिला पंचायत, सब लोग इस महारैली में अपना योगदान दे रहे हैं और भागीदारी दे रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज? आज के इस रैली से मैं सभी राजनीतिक दलों के संदेश देना चाहता हूं कि अब हम लोगों को दरी मंत्री, चटाई मंत्री का पद देना बंद करो, और हम लोगों को जो हमारा सम्मान है पूर्वांचल में, उस सम्मान के अनुपात में हर दल, राजनीतिक दल हमें सम्मान दे। 2024 चुनाव में किस तरह से आज की रैली तय कर दी है,
इसके बाद बैठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, समाज के नेताओं के नेतृत्व में, कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में बैठ के निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है। अभी तो भीड़ देख लीजिए, भीड़ ही ने नेतृत्व कर दिया कि जो सैतवार माल महासभा कहेगा वही होगा।